2009 में आई थी फिल्म अवतार, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म की कहानी कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिल्म में जो अच्छा था वो थे इसके विजुअल्स और प्रेजेंटेशन, जिसने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस दिया जिसे आप और हम कभी नहीं भूलेंगे। टेक्नोलॉजी और विजुअल्स के मामले में इस फिल्म ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उसे आज भी कई फिल्में दोहरा नहीं पाती। अब इस स्टैंडर्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इसके डायरेक्टर जेम्स कैमरून अवतार का सेकंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर लेकर आए हैं, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म का ट्रेलर इतना शानदार है कि आप इससे नजरें नहीं हटा पाएंगे, खासकर फ्रेम टू फ्रेम इसके विजुअल्स। फिल्म के ट्रेलर में पेंडोरा की दुनिया के अंदर समुद्र की दुनिया को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। समुद्र के जीवों को जिस तरह बनाया गया है, उनका प्रेजेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही शानदार है। टीजर की शुरुआत होती है जैक सुली और नेत्री की बेटी से, जो पेंडोरा की दुनिया में समुद्र के अंदर होते हैं, और उन पर फिर वही मुसीबत आती है कि बाहरी दुनिया के कुछ लोग उन पर हमला कर रहे हैं ताकि वो वहाँ की चीजें ले जा सके। इसके बाद बड़े बड़े हाईटेक रोबोट्स और स्पेसशिप जो पेंडोरा की दुनिया के अंदर हमला करते हैं, और इसे बचाने के लिए पेंडोरा वासी इकट्ठा होते हैं और उनके खिलाफ युद्ध करने का फैसला लेते हैं। फिल्म के टीजर में पेंडोरा के लोगों और समुद्र के जीवों के बीच जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो काफी अच्छी है। इस बार इंसानों की मशीनों का सामना केवल पेंडोरा वासियों से ही नहीं बल्कि समुद्र के जीवों से भी होगा, जो एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है। यह फिल्म दुनिया की पहली ऐसी फिल्म है जो 4D में रिलीज होगी। इस फिल्म को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वह पहले उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस फिल्म का सीक्वल 13 सालों बाद आ रहा है। आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और यह फिल्म देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।